अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नतालियाज़ कुकिंग। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे अरवी के पत्तों का सालन और इसके साथ ही हम टी टाइम स्नैक भी बनाएंगे। अरवी के पत्ते मैंने लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से धोया और फिर इन्हें खुश कर लिया। इनका पानी हम लोगों ने ड्राई करना है और फिर इस तरीके से इसके दो पार्ट किए, जो इसमें से सख्त पार्ट था वो निकाल दिया और फिर इस तरीके से हमने पत्तों को सीधा कर लिया। व्यूवर, ये बहुत ही मज़ेदार पत्ते बनते हैं, सालन बनता है जब हम और चीज़ों से उकता जाएँ गर्मी में, तो ये एक बेहतरीन सालन है। इसके लिए मैंने लिए फिलिंग के लिए बेसन, ये 2 कप बेसन है। जितने पत्ते फिल होंगे हम कर लेंगे, बाकी बाद में और बना लेंगे। ये दो कप बेसन है और इसको छानने रख लें। इसके साथ इसमें मसाला डालेंगे, नमक अमचूर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, ज़ीरा मोटा कुटा हुआ और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च और पानी। ये तमाम चीज़ें हमने तकरीबन हसबे ज़रूरत इसमें डालनी है एज़ रिक्वायर टू टेस्ट। नमक जो है वो मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी, बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून है इसके अंदर अमचूर पाउडर है और ये अमचूर पाउडर मैंने घर में बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगी। ये चाट मसाला, धनिया पाउडर, अजवाइन, इसे हमें हाथ से थोड़ा सा मसल कर डालेंगे, इसे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, वो हम इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें हम लोग सुरख मिर्च ऐड करेंगे। पानी इसमें जितना इस्तेमाल होगा, फिर आपको देखते हैं कि इसमें कितना पानी लगता है। इसको बेसन को हमने लिक्विड नहीं बनाना, पकौड़ों से थोड़ा सा ठीक रखना है। अगर लिक्विड हमने बेसन बनाया तो पत्तों से ये बह जाएगा और ठीक होगा, थोड़ा सा वो पत्तों के साथ चिपका रहेगा। व्यूअर्स, हमारा बेसन तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये बहुत मुश्किल से नीचे गिर रहा है, पकौड़ों से थोड़ा सा सख्त बेसन है ये। अब इसको हम पत्तों पे फिल करते हैं। पत्तों को हमने पहले एक ट्रे में बिछाएंगे और पत्तों का ये हमने ख्याल करना है, जो इसका हार्ड पार्ट है उस पे हमने बेसन लगाना है। एक पार्ट इसका बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम पे होता है, उसके ऊपर बेसन टिकेगा नहीं, तो हमने जो इसका सख्त पार्ट है, खुरदरा पार्ट है, लाइट कलर का होता है, हमने उस साइड पर इसमें बेसन लगाना है। बेसन की मोटी लेयर हमने नहीं लगानी, बेसन 2 चम्मच बेसन डालेंगे और उसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे, पतली पतली लेयर हो, क्योंकि हमने इसमें स्टीम करना है, तो अगर ज़्यादा मोटी हम लोगों ने तय बनाई तो वो कभी कच्चा बेसन अंदर से ना रह जाए। आप इसे हाथ से भी लगा सकते हैं, चम्मच से लगा लें। ये इस तरीके से पूरे पत्ते पर हमने इस बेसन को फैला लेना है, बहुत पतली सी लेयर है, और फिर इसके ऊपर दूसरा पत्ता रखेंगे और वो पत्ता भी इसी तरह मुलायम हिस्सा नीचे होगा और जो इसका थोड़ा सा खुरदरा पार्ट है वो हमने ऊपर रखना है, क्योंकि उसके ऊपर भी हमने अभी बेसन लगाना है। ये तकरीबन आप 5 से 6 पत्तों की तय लगा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, जितना मोटा आप इसे करना चाहें, रखना चाहें। मैं सिर्फ इनकी तय इतनी मोटी रखूँगी जैसे कि एक मछली के पीस होते हैं, मछली का टुकड़ा होता है। सालन पकने के बाद बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे कि मछली का सालन है। इसी तरह हम 5-6 पत्तों की तय लगाएंगे। इसे ज़्यादा मोटा व्यूवर्स ना कीजिएगा, फिर उनको ये कि स्टीम होने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि वो अंदर से जो पार्ट है पत्ता है वो कच्चा रह जाएगा। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे कि जब इनके हम पीस बनाएं तो हमें वो मछली के जितने साइज पीस बने। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है और एक अलग बर्तन में हम रखते जाएंगे, फिर हम इसे स्टीम करेंगे। हमने अपने सारे पत्ते इसी तरह तय लगा के रखनी है। अब इसको मैं दूसरी तरीके से फोल्ड करना भी आपको बताती हूँ, जिन्हें ये डर हो कि बेसन निकल ना जाए, तय ना इसकी बेसन बह ना जाए, तो आप इस तरीके से भी बेसन को फोल्ड कर इस पत्तों को फोल्ड कर सकती हैं। जो पत्ते हमने फोल्ड किए हैं उस पर भी थोड़ा थोड़ा बेसन लगा देते हैं ताकि इसकी फोल्डिंग जो है वो चिपकी रहे और अच्छी बने। अब इसको भी देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। और इसी तरह अपने सारे पत्ते हम बना लेंगे।
ये स्टीमर हमने देसी स्टीमर तैयार की है, एक देगची ली है, उसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाला और जो ये दूध या सालन को ढकने के लिए जो एक जाली का ढक्कन मिलता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ स्टीमर के लिए। वो इतना बड़ा बर्तन आपने लेना है कि वो जाली का जो ढक्कन है वो उस पर पूरा आ जाए। अब इसके ऊपर किसी भी पतीले का ढक्कन जो है वो हम उल्टा रखेंगे तो वो हमारा स्टीमर तैयार हो जाएगा। ये मेरे पास एक पैन का ढक्कन है, सॉस पैन का, वो मैंने इसके ऊपर उल्टा रखा है तो ये मेरा देसी स्टीमर तैयार हो गया है। अब इसके नीचे हम फ्लेम ऑन करेंगे और स्टीम बनने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही स्टीम बनती है फिर हम इसके अंदर पत्ते रख देंगे। स्टीम देखें तैयार है, पानी में बॉयल आ गया है। अब हम पत्ते जितनी स्पेस हमारे पास है उतने हम इस पर पत्ते रखेंगे। ये तकरीबन 3 जो स्लाइस हैं हम लोग इसके ऊपर रख सकते हैं। 5 मिनट इसकी एक साइड पकाएंगे, स्टीम करेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और कितने पत्ते जो हैं ये इनका कलर चेंज हो गया है। अब इनकी साइड चेंज करते हैं। बेसन भी इसका अंदर से पक चुका होगा कि अगर बेसन नहीं पकेगा तो फिर ये सख्त नहीं होंगे, बेसन पकेगा तो ये सख्त हो जाएंगे। 5 मिनट के लिए इन्हें हम फिर स्टीम पर रखते हैं। ये देखें हम बनकर तैयार हैं और अब इन्हें ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। ठंडे होने के बाद हम इनके पीस काटेंगे। गर्म में अभी बेसन जो है वो सही तरह ठंडा नहीं हुआ होगा। ये देखें अब इसके ऐसे पीस काटेंगे। मैंने ऐसे काटे हैं, आप इसे छोटे भी काट सकते हैं, इसे बड़े भी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जी। ये सारे तकरीबन तैयार हैं कट के पत्ते इसके पीस। अब हम इसके मिसाले की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटरों की प्यूरी बनाई है। प्यूरी आसान है, ब्लेंड कर ली है। ये 4 बड़े टेबलस्पून घी है, नमक, हल्दी पाउडर, लहसुन पेस्ट, सुरख मिर्च पिसी हुई, धनिया पाउडर और मोटी कुटी हुई सुरख मिर्चें। ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। अपने पैन में हम घी डालते हैं। आप इस घी की जगह पे ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। घी के जैसे घी पिघलता है हम इसमें सबसे पहले अब लहसुन डालेंगे, लहसुन को ब्राउन करेंगे। लहसुन को भी इतना पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, स्मेल ना आए और अच्छे तरीके से ये भून जाए। लहसुन तकरीबन पक कर तैयार है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज़ों को भी हमने इसकी स्मेल दूर करनी है, इतना पकाना है इसको, ब्राउन नहीं करना क्योंकि पत्ते अरवी के ऑलरेडी डार्क कलर में हैं और अगर प्याज भी ब्राउन हो गए तो सालन बहुत काला होगा। हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है और इसके अंदर अब टमाटर की प्योरी ऐड की और इसके साथ ही हम इसमें मिसाले ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून नमक, क्योंकि 1 टीस्पून हमने अरवी के पत्तों में भी डाला है। 1/2 टीस्पून हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, वन टेबल स्पून इसके अंदर अचार मसाला डाला है। अभी हमने धनिया पाउडर ऐड किया और मोटी कुटी हुई सुरख मिर्चें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है क्योंकि जब बेसन में जब हमने अरवी के पत्ते बनाए हैं उसमें भी हमने बेसन में सुरख मिर्चें ऐड की थी। तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइस। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, वरना इन्हें ये एक दरमियानी मिर्चें हैं, तेज़ नहीं है। मसाला भुनकर तैयार है, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसके अंदर अरवी के जो स्लाइस बनाए हैं वो ऐड करते हैं। एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, साथ साथ रखने हैं जी। ये तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें ऐड में एक प्याली दही जो है उसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फेंटने के बाद फिर हमने वो दही ऐड की और इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, लेकिन फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखेंगे इस पे हम। अब देखते हैं जी, देखें घी ऊपर आ गया है और मसाला जो है इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं होता, सिर्फ घी का ही शोरबा इसके अंदर होता है और खटाप करने के लिए हमने इसके अंदर दही ऐड की है। तो अब इसे हम डिश आउट करते हैं जी। वो देखें इसके पत्तों की लेयर्स देखें, बिल्कुल पत्ते बिखरे नहीं हैं और पूरा एक स्लाइस है। व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अब हम इसका टी टाइम स्नैक तैयार करते हैं। अरवी के सब सालन बनाया तो उसके स्लाइस हमने थोड़े से बड़े रखे, लेकिन स्नैक के लिए स्लाइस इसके मैंने छोटे स्लाइस बनाए हैं। इनको हल्के आँच पे इसको हमने सिर्फ फ्राई करना है, क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें पकी हुई हैं, ये स्टीम हुए हुए हैं। हमने सिर्फ इनको क्रिस्पी करना है, हल्का सा क्रिस्पी होने का हम इंतज़ार करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। इसे कैचअप के साथ सर्व करेंगे। और ये कैचअप मैंने घर की बनाई हुई है, इसका भी मैं लिंक ऊपर दे दूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार कैचअप तैयार है। शुक्रिया।